की चराबे छ ओए की चराबे छ यहाँ पर मेरी मम्मी भी आ गई है शादी अटेंड करने। आप में से कई लोगों के कमेंट भी देख रहा था, माँ कहाँ है, माँ दिख ही नहीं रही। तो जी माँ ड्यूटी पर थी, जब उनको फुर्सत मिली तो वो आ गई, और जैसे ही आई दोनों बुआ साड़ी की डिमांड करने लगी और अच्छा खासा मजाक नोक झोंक सब चल रहा है इन लोगों के बीच। जब भी घर में शादी ब्याह का माहौल हो और घर में नाच गाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है जी। तब भी यहाँ किसी को फुर्सत मिलती है किसी भी काम से, सभी नाच गाने में लग जाते थे, पर हमारी रोली ये तो डांस में कभी पीछे नहीं रहती। आज ही बारात आने वाली है तो बारातियों के लिए यह सारी तैयारी चल रही है। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर सारा मंच सजा हुआ है, सारा शमियाना लग रहा है। तो बताइए जी कैसा लगा आपको इनकी सजावट। यह तो अभी पूरा नहीं हुआ है, फाइनल लुक आप वीडियो से बने रहिए, अंत में आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं जनभाषा के साइड व्यवस्था का जायजा लेने। हाँ, और ये है जी हमारे गांव का खेत, ये बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा है। ये हरियाली, इस पीपल के पेड़ के नीचे भी कुछ कुछ पूजा करते थे ना शायद। हाँ हाँ, क्या होता था शादी के टाइम किया कोई है? वट पूजा, इसमें का पीपल के पेड़ के नीचे वट पूजा कब से होने लगा? वट मतलब हुआ बरगद। यहाँ पहुँच गए अपने स्कूल के तरफ, एक बार अंदर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और जी जैसे ही हम स्कूल घुस रहे थे तो हमें गेट पर दिख गई गौ माता। गौ माता के कान में देखा ये पीले रंग का कुछ बिल्ला जैसा लगा हुआ है, उसमें बारकोड दिया हुआ है, हो सकता है किसी सरकारी योजना के अंतर्गत कुछ लगाया गया हो। और जी यहाँ पहुँच गए हम ये सरकारी स्कूल पर, जो भी बारात आएंगे उनका यहीं पर है सारा व्यवस्था। यहाँ पर पुआल डालने की बात चल रही है ताकि ठंडी नहीं लगे, है ना? ठंडी का है, कैसे लगेगा? फर्श पर सीधे लेटेगा तो बिल्कुल। सरकारी स्कूल है, इसी सरकारी स्कूल में मेरे पापा भी पढ़े हैं और ये भी पढ़ा है ना? हम भी पढ़े। अच्छा, हम भी। तुम भी पढ़ा है? तुम झूठ की वीडियो के लिए खाली बोल रहा है? नहीं नहीं, सच में पढ़ा है जी। हमें ध्यान है कि तीन पीढ़ी की जो शादी हुई है और सभी के जो बारात है वो इसी सरकारी स्कूल में आकर के रुके हैं, और शायद हम लोग का भी आगे का पीढ़ी का ही होगा क्या? उम्मीद करते हैं तब तक सामुदायिक भवन खुल जाए इधर, क्योंकि आसपास है नहीं, ये गांव है, घर बहुत है लेकिन मार्केट सब है थोड़ा सा 3 किलोमीटर सब पर, तो वो एक है तो इसलिए यहीं पर सारा व्यवस्था किया जाता है। लेकिन यहाँ का जो एक आनंद है ना शादी का, वो शहरों में आनंद नहीं मिलेगा जी। यहाँ लगता है एकदम फीलिंग आता है कि हाँ बिहार की शादी है। जी यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं घीढारी के लिए जी। घीढारी में जो है भैया और भाभी को बैठना होता है, हमसे भी कई बड़े भाई हैं तो वो लोग बैठते हैं हर बार, लेकिन इस बार जो है लॉकडाउन की वजह से कोई भी भाई इधर आ नहीं पाए, और हम लोग का घर नज़दीक था पूर्णिया से जो हम लोग कटिहार में रहते हैं, तो हम ही लोग यहाँ पर आ गए, हम लोग ही घीढारी पर बैठ गए। और यहाँ पर देखिए पैकिंग चल रही है बारात के लिए, उधर हमारे नवनीत भाई साहब और इधर है शिवम, और अमनीत के बाल का क्या हाल किया है आज। और ये है इनके बार्बर, उधर हमारी जीजा जी, इधर हमारी चाचा जी। की चराबे छ ओए की चराबे छ है देखो जी। शादी की एक और रस्म की यहाँ पर शुरुआत हो गई है,
जिसमें हम और जिया बैठे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं गोबर का एक सर्कल बना करके दीवार पर उसको लगा रहा हूँ। पंडित जी ने मुझे कहा था कि 18 ऐसे सर्किल बनाइए, और 18 सर्किल वहाँ पर लगाने के बाद जो घास होता है जिसे हम लोग दुबरी भी बोलते हैं, तो वो हम वहाँ पर लगा रहे हैं। फिर भोग लगाने के लिए पंडित जी ने कहा कि यह जो गुलाब जामुन है इसको आप 18 टुकड़े में बांट दीजिए। और फिर जी इतनी सारी विधि है पूजा की, उतनी तो मुझे याद भी नहीं है, और लगभग 2 घंटे तक यह पूजा चला था। तो जितना भी इसमें हम लोग आपको दिखा सकते हैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी भले ही यहाँ पर अच्छा खासा देर बैठना पड़ा और हमें मंत्र जाप करना पड़ा, लेकिन जी अब तो मंत्र जाप करने का अच्छा खासा अभ्यास हो चुका है हमें। 1 साल पहले ही हमारी शादी हुई थी, यहाँ तो 2-3 घंटे की बात थी, और अपनी शादी में तो 6 घंटे, 6.5 घंटे ना जाने कब तक मंत्र पढ़ रहे थे, आहुति दे रहे थे, वो पूरा प्रोसेस है। उसके आगे जी यह तो छोटी सी चीज है। नव देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते सर्व मंगल मांगल्ये मस्ति हो गया है घी ढारी। और उसके बाद सुबह से जो उपवास में है, अब उपवास को तोड़ने का समय आ गया है, तो अब खाते हैं। जी उस दिन इतनी भूख लगी थी कि पूछिए मत, सुबह से हम भूखे थे, और जब हमें नाश्ता मिला जी टूट पड़े हम। उस दिन हम 2 या 3 डब्बे हम नाश्ता किए होंगे। अब बगल में जो हमारा शिवम है यह भी खाने में कोई कसर नहीं रखा, सो रहा है बारात से। ये भी बाराती है, बाराती है ये स्पेशली मीट के लिए आया। यहाँ पर बात चल रहा है कि कौन उठाएगा जीजा जी को, कौन उठाएगा, शिवम उठाएगा, उठा लेगा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम ही उठाएगा, गिरेगा तुम पीछे रहो। यहाँ पर संधि मिलन के लिए सभी इंतजार में हैं, हमारी बड़े पापा, दोनों बड़े पापा, और उनके अलावा है पप्पू चाचा जो कि टोपी में है, जो हमारी बहन जो पूजा है जिसकी शादी हो रही है उसके पिता है। पटाखे से मालूम चल रहा है कि महाराज सब आ रहे हैं। यहाँ पर ड्राइवर साहब को मिल गया नेकी, इसी नेकी की वजह से यह दरवाजा कई देर से बंद था, जो कि आपको हम अगले ब्लॉग में डिटेल से दिखाएंगे। अभी थोड़ा बहुत झलक देख लीजिए ये बारात के स्वागत की। और ये है जी हमारी दूल्हे साहब, देख लीजिए दूल्हे साहब को, यही हमारी बहन को लेके जा रहे हैं अपने घर। इस ब्लॉग को हम लोग अब जो है यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग में जाने से पहले अगले ब्लॉग की कुछ झलक।